आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कविता तो व्यक्ति को मानव बनाती है, जबकि गीत व्यक्ति को पूर्व पुरुष की श्रेणी में खड़ा करता है। गहराई से देखा जाए तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति गीतमय है। नदियों की लहरों, बादलों की चमक दमक और गड़गड़ाहट, हवाओं का विविध रूपों में प्रवाहित होना, चार सितारों के चित्ताकर्षक रूप में मधुर गीत सुनने जा सकते हैं। इन उद्दारों के बीच नगर के कटरा बाजीराव मोहल्ले में स्थित कृष्णा इन पैलेस में रविवार 17 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त मैनेजर श्री रमेश मालवीय के गीतों का संकलन आवाज मेरे दिल की गीतों की गली में का विमोचन नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने साहित्य की परंपरा को सशक्त बनाने के लिए साहित्य सृजन को प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज को परिष्कृत करता है। समारोह की अध्यक्षता आर्थोपेडिक सर्जन कवि डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि वक्त जहरीला हो और बोलने की हालत ना हो तो कुछ लिखना ही चाहिए। डॉक्टर त्रिपाठी ने कोरोना काल की विविध भयोता के बीच लिखी कविताएं सुनाई। लोकार्पित गीत संग्रह पुस्तक के कवि रमेश मालवीय ने अपने जीवन के विविध संस्मरणों को सुनाते हुए काव्य पाठ भी किया। मुख्य वक्ता के रूप में सलील पांडे ने संस्कृत साहित्य में गीतों की समृद्ध परंपरा में कालिदास, जय गोविंद से लेकर भक्ति काल के कवियों के योगदान पर प्रकाश डाला। श्रीमती नंदिनी मिश्र, सर्वश्री प्रवीण सेट्ठी एवं शरद मेहरोत्रा ने गीत संग्रह की विशेषताओं को प्रस्फुटित किया। कुल 64 पेज के संग्रह में 47 गीत और कविताएं हैं, जिसमें अध्यात्म से लेकर समाज तक के विविध आयामों का स्पर्श हुआ। अभिव्यक्ति की दृष्टि से रचनाएं अत्यंत सुगम और सुबोधपूर्ण हैं। इसी क्रम में विमोचित संग्रह के भूमिका लेखक श्री विभूति नारायण मिश्र ने स्वागत और श्रीमती कमला सिंह पाल ने संचालन किया। प्रारंभ में छोटी बालिका वैष्णवी ने सत्य शिवम सुंदरम का गान किया। श्री मालवीय की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा मालवीय ने धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि पुत्र अनुराग मालवीय एवं मनु मालवीय, पुत्री रजनी, दामाद मानस ने अतिथियों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजन में भारत विकास परिषद भागीरथी के अध्यक्ष धीरज सोनी, पूर्व अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल, पंकज खत्री, गोपी मोहन अग्रवाल, पशुपतिनाथ टंडन, शंकर सोनी, भूपेंद्र सिंह, श्रीमती कमला पाल, श्रीमती डाली सर्राफ, राजुल अग्रवाल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। न्यूज 9 भारत के लिए सलील पांडे की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।